हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए हेल्पफुल हैं। इससे पहले भी मैंने एक ट्रांसफार्मर पे वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लें। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर? तो बच्चों, बात किया क्या आयरन कोर की खासियत पूछी है कि ट्रांसफार्मर में क्यों यूज किया जाता है। अभी कोर क्या होता है ये आपको पता होगा। देखिए, एक ऐसे आयरन कोर बना होता है और इसी पे क्या लगी होती हैं, ऐसे वाइंडिंग लपेटी होती है ट्रांसफार्मर की, इधर से और इधर से। तो पूछ रहा है कि ये जो कोर है आपका, ये आयरन का क्यों बनाते हैं। ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, बात तो सही है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट तो लकड़ी का भी कोर कर सकता था, है ना, तो इसलिए इसको आंसर में नहीं लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक, सपोर्ट तो जरूरी नहीं कि वो आयरन का ही हो तभी सपोर्ट करेगा, किसी और चीज का होगा, पत्थर का बना दीजिए तब भी सपोर्ट करेगा। रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो बच्चों, करता क्या है ये आयरन कोर, आपका डिक्रीज करेगा रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। अब देखिए, अब रिलक्टेंस क्या है, जैसे आप चलते हैं तो कहां पे चलते हैं, जहां पे भैया रोड बनी होती है ना, यहाँ पे जंगल कांटा है इधर, है ना, बगल में रोड के कांटे वांटे निकले हैं, तो क्या आप इधर से जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जाते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको ऐसा रास्ता चाहिए, वो उसी रास्ते से जाएगा जहां पे रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, रिलक्टेंस की वैल्यू जहां कम होगी वहीं से जाएगा। तो देखिए, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ये इस वाइंडिंग में बनता है तो वो ऐसे घूम के यहां जाना पर्पज है कि हमारा ऐसे जाइए, ठीक, ये इससे लिंक करे ऐसे ऐसे से। अब अगर हमारा रास्ता ये सही नहीं हुआ, इधर ना मोड़ पाए हम इसको, तो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा यहीं, ठीक, इधर जाएगा ही नहीं, तो हमारे लिए ट्रांसफार्मर सही काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स यहाँ से अगर लिंक नहीं करेगा तो यहाँ पे प्राइम सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं इंड्यूस करेगा, वोल्टेज नहीं इंड्यूस किया तो इसका काम ही खत्म हो गया। ठीक है, लो रिलक्टेंस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक पाथ को अच्छा रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, फटाफट जाएगा, जहां पे लो रिलक्टेंस मिला मैग्नेटिक फ्लक्स भागे भागे चले जाएगा, है ना, जैसे ही रेजिस्टेंस जहां कम होता है वहां करंट भागता है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज डिजाइन टू रिड्यूस। अब ट्रांसफार्मर कोर की फिर से बात किया है कि डिजाइन किया गया है क्या रिड्यूस करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए, आपका जो कोर बना होता है ट्रांसफार्मर में दो टाइप का लॉस होता है, एक कोर लॉस एक कॉपर लॉस। अब कोर लॉस उस कोर के अंदर होता है इसलिए उसको कोर लॉस कहा गया है। अब कोर लॉस में दो टाइप का लॉस होता है, कौन कौन सा, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। तो इसलिए ट्रांसफार्मर कोर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों बहुत कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर जनरली मेड अप ऑफ स्टील आयरन कॉपर स्टील आयरन एलॉय। तो बच्चों देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो वाइंडिंग, मतलब जिस तार से ये लपेटा होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये तार की बात कर रहा है कि ये किस चीज की बनी होती है। ठीक है, तो लोहे की बनी होती है क्या, स्टील की बनी होती है क्या, या आयरन या कॉपर। ठीक है, तो बात करें, देखिए इसमें जो लॉस होता है वो कितना लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है कॉपर लॉस में। ठीक, अब आई स्क्वायर आर का मतलब हो गया, देखिए आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक, अब रेजिस्टेंस किसका सबसे कम होगा वही हम लोग यूज करेंगे, रेजिस्टेंस अगर कम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और वो सबसे ज्यादा होती है कॉपर की। तो हम लोग यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए उसकी किसका यूज करेंगे, कॉपर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा या रेजिस्टेंस कहते हैं सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट शुड बी फुलफिल्ड बिफोर यूजिंग इन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल यूज करते हैं कूलिंग पर्पज के लिए, तो कह रहा है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास जो ऑयल होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखिए उसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, मतलब ये सही है। हाई फ्लैश पॉइंट का मतलब है कि वो तेल काफी ज्यादा हाई पॉइंट पे जलेगा, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा तब फ्लैश पॉइंट आएगा, तो ये भी सही है। लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, है ना, तो ये आपका गलत हो गया, स्ट्रेंथ इसकी मजबूत होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे लो लिख दिया है। हाई केमिकल स्टेबिलिटी, ये सही है, स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो पूछा कौन सा नहीं फुलफिल कर रहे, है ना, तो आंसर हो जाएगा सी, गलत बताना था इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए ऑयल का, लेकिन यहाँ पे लिखा है लो। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर रेटिंग आर गिवेन इन किलोवाट, केवीएआर, एचपी, केवीए, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, आपको पता भी होगा शायद, केवीए, केवीए में लिखा रहता ना, इतना केवीए उतना केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब केवीए में क्यों लिखते हैं, ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने? देखिए दो टाइप का ट्रांसफार्मर में अभी लास्ट बताया कि एक कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस। तो जो कोर लॉस होता है आपका, है ना, कोर लॉस होता है ये वोल्टेज से रिलेट होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर जो होता है वो करंट से रिलेट है। मींस एक वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, एक करंट पे। तो दो टाइप के लॉसेज होते हैं, दोनों को दिखाने के लिए, एक के लिए चाहिए वोल्टेज, एक के लिए चाहिए एम्पियर। तो देखिए वो वोल्टेज हो गया ये एम्पियर, अब के क्या है, किलो में है, ठीक है, यूनिट बड़ी है तो किलो वोल्ट एम्पियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू, चिंटू क्वेश्चन एकदम से बिल्कुल, देखिए कन्वर्ट एसी टू डीसी, गलत भैया, एसी डीसी में नहीं बदलता है, डीसी से एसी में भी नहीं बदलेगा, एसी से डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर, और डीसी से एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर। स्टेप डाउन आर अप द डीसी वोल्टेज एंड करंट, डीसी वोल्टेज को कुछ नहीं करेगा ये, स्टेप डाउन आर अप द एसी वोल्टेज एंड करंट, तो ऑप्शन डी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, जब ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट नहीं है, पूछ रहा है इसमें से। तो देखिए ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है, बुकोल्ज रिले भी लगा होता है उसके इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, एक्साइटर नहीं होता भैया, है ना, एक्साइटर आपका मशीन में लगा होता है, सिंक्रोनस मशीन में लगा होता है, तो इसके लिए एक्साइटर की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट एन आइडियल ट्रांसफार्मर इंटू प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वी एड, देखिए जब आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ कंडीशन मानते हैं, है ना, एजम्पशन मानते हैं कि इसका लीकेज रिएक्टेंस जीरो हो, इसके रेजिस्टेंस जीरो हो, मींस लॉसेज जीरो मानते हैं। तो वही कह रहा है कि जब उसको प्रैक्टिकल में बदलेंगे तो वही चीज फिर से ऐड कर दीजिए जो चीज आप लोगों ने नेग्लेक्ट की थी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो ऐड कर देंगे, सही बात है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ये सही है। अगला ऑप्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, ये भी सही है भाई, है ना। देखिए रेजिस्टेंस भी हम लोग हटा देते हैं और लीकेज रिएक्टेंस को भी हटा देते हैं, तो आइडियल केस में हटा दिए थे तो प्रैक्टिकल केस में दोनों को ले लेंगे, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंस एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। तो देखिए जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में मिला के दिया था ना, वो सी ऑप्शन में दे दिया है, तो इसका मतलब ये सही ही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो गलत है। देखिए तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों आंसर नहीं होगा, ए बी का कॉम्बिनेशन है सी में, इसका मतलब हो गया आंसर सी। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो हम कहते ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन सिंगल ऑप्शन करेक्ट में तो हम लोग सी पे लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज जनरली मेड अप ऑफ, जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर होता है तो वो कैसा बना होता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोर मटेरियल। तो देखिए ये एक सिंगल पीस हमारा जो है, पूछ रहा है कि ये क्या ये सिंगल पीस होता है ऐसे लोहे का, बाय स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ सीट टुगेदर, स्टैकिंग का मतलब हो गया कि पतली पतली सीट मिला के एक बनाई गई है। सी ऑप्शन है, कैन बी मेड अप विद एनी ऑफ द अबव मेथड, मतलब दोनों से कह रहा है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैकिंग करके बनाया जाता है, मींस देखिए पतली पतली शेप की ऐसे पतली पतली सीट होती है, उनको मिला के बनाया जाता है ट्रांसफार्मर। और ऐसा क्यों बनाते हैं हम लोग, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आई शेप का होता है, एल शेप का होता है, है ना। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसी पतली पतली सीटों के बना के क्यों करते हैं स्टैकिंग, ताकि लॉसेस कम हो जाएं, ठीक है, एडी करंट लॉस को हम लोग कम करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर एक मोटा पीस ले लेंगे लोहे का एक, है ना, तो क्या होगा, ऐसा एक ब्लॉक टाइप का ले लेंगे तो वहां पे लॉसेज बढ़ जाएंगे आपके, ठीक। तो लॉस कम करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये स्टैकिंग करते क्यों है या पतली सीटों में क्यों काटते हैं, तो लॉस को एडी करंट को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लक्स डज ट्रांसफार्मर एक्शन नीड, किस टाइप की फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसमें से कौन सी जरूरत पड़ती है। देखिए ये लक्स लिखा हुआ फ्लक्स होगा, तो आपका पूछ रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है
इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ये किस नेचर का होगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स लगा के हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस होता है, मींस अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और अल्टरनेटिंग की ही हमें जरूरत है। अगर ये कॉन्स्टेंट हो गया या इंक्रीज कर रहा है डायरेक्टली तो हमारा ट्रांसफार्मर एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन मैग्नीट्यूड फ्लक्स पाथ इन द सर्किट, द ट्रांसफार्मर इज डेफिनेटली। देखिए कह रहा है कि एक ही फ्लक्स पाथ हो। अब देखिए ये जो हम लोग कोर टाइप का बनाते हैं, दो टाइप का ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा, एक कोर टाइप एक सेल टाइप, तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये आपका जो मैंने पहले बनाया ये कैसा है, कोर टाइप का है, और ये हमने जो बाद में बनाया सेल टाइप का है। तो इसमें जब वाइंडिंग लपेटेंगे तो यहाँ से जो फ्लक्स हुआ वो ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए एक ही रास्ता इसको मिला। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ पे वाइंडिंग लपेटी होती है तो यहाँ से गया ऐसे फ्लक्स, अब यहाँ पे इसको दो रास्ते मिल गए, थोड़ा सा इधर से जाएगा थोड़ा इधर से आएगा, तो आधा आधा बट जाता है दोनों तरफ से, तो इसके पास दो रास्ते हो गए है ना फ्लक्स को घूमने के। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओनली वन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ किसमें होता है, तो आप कह देंगे आंसर कोर टाइप में। ठीक है, अगर दो रास्ता पूछता तो कहते सेल टाइप में होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इस्टेब्लिश्ड इन ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड इज इक्वल टू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स पूछा है। ठीक, अब देखिए जो आपका ईएमएफ इक्वेशन होता है बच्चों वो क्या लिखते हैं हम लोग, ई1 इक्वल्स टू 4.445 f n1। ठीक है, यहाँ e1 है तो n1 है, e2 हो जाएगा तो n2 हो जाएगा। अब देखिए फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, e1 डिवाइडेड बाई 4.44 f n1। ठीक, तो ऑप्शन में पढ़ते हैं, देखिए e1 अपॉन 4.44 f n1 सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका मतलब पहला ही सही हो गया। ठीक है, पहला सही हो गया, और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, E1 अपॉन 4.44 f n2। देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है इसका मतलब ये गलत हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 1 है इसका मतलब ये भी गलत हो गया, और कैन नॉट बी डिफाइंड तो ये भी गलत हो गया, तो ये गलत है ये गलत है ये गलत है, पहला वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बच्चों नो लोड पे जो करंट होती है उसके बारे में बताना है कि क्या होती है, हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, हाई मैग्नीट्यूड हाई पावर फैक्टर, स्मॉल मैग्नीट्यूड हाई पावर फैक्टर, स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। अब पहली बात देखिए कह रहा है कि नो लोड पे बात कर रहे हैं, अब नो लोड का मतलब हो गया कि कोई लोड इस पे कनेक्ट ही नहीं करना है। अब जब लोड नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ढेर सारा करंट तो लेगा ही नहीं, थोड़ी सी करंट चाहिए, किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, देखिए ये आप खुला रखेंगे, इसको खुला रखेंगे, लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, इधर से आप सप्लाई देंगे तो करंट यहाँ लोड में जा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा करंट चाहिए आपको, और वो करंट क्या होगा, इसको जाके मैग्नेटाइज करेगा कोर को। ठीक है, सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए वो करंट चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है पहली बात तो स्मॉल, तो या तो सी ऑप्शन होगा या डी। अब बात कर लें पावर फैक्टर की। ठीक है, अब पावर फैक्टर जो इसका होगा, ये देखिए नो लोड पे जो करंट जाती है ये करंट आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है ना, वोल्टेज से लैग करता है। ठीक, वोल्टेज से लैग करेगा, कौन लैग करेगा, आई। ठीक, आई क्या करेगा, लैग करेगा, कितने से, अराउंड 90 डिग्री के आसपास। ठीक ना, एग्जैक्ट 90 नहीं कह सकते लेकिन 90 के आसपास। ठीक, तो 90 डिग्री के अराउंड कर रहा है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फाई होता है, कॉस फाइव मतलब कॉस 90 अगर यूज करेंगे तो आप हो जाएगा जीरो, लेकिन 90 नहीं होता, थोड़ा सा कम होता, तो यहाँ जीरो के आसपास की वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे लो पावर फैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन नो लोड टेस्ट वी कीप HV टर्मिनल्स सॉर्टेड, सॉर्टेड वाया फिक्स रजिस्टर, ओपन सॉर्टेड वाया वेरिएबल रजिस्टर। तो अभी मैंने बताया बच्चों कि नो लोड टेस्ट जब करते हैं है ना, नो लोड पे टेस्टिंग भी की जाती है पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए, तो नो लोड पे किसको ओपन करते हैं हम लोग, जनरली ऐसे सेकेंडरी कुछ ऑप्शन में दिया रहता है, सेकेंडरी ओपन करते हैं, प्राइमरी ओपन करते हैं, HV ओपन करते हैं या LV, तो हम बात करेंगे कि HV हमेशा ओपन किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है कि हम लोग HV ओपन रखते हैं, नहीं सॉरी पूछा है HV को क्या करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओपन रखते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि HV टर्मिनल्स को ही जनरली हम लोग ओपन करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन है,
When does transformer breathe in? ट्रांसफार्मर सांस कब लेता भैया, ये बताना है, है ना? ब्रीद इन का मतलब सांस अंदर खींच रहा है, कब लेगा? लोड ऑन इट्स इंक्रीज, लोड ऑन इट डिक्रीज, लोड रिमेन कॉन्स्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखिए, आप सांस कब लेते हैं? जब कोई भारी सामान उठाएंगे, ताकत लगाएंगे, है ना, मेहनत करेंगे, तब आप सांस लेते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के हिसाब से कब होगा? देखिए, ट्रांसफार्मर में रहता है ऑयल। अब वो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर का, जब हीट होगा, जब गर्म होगा, तो क्या होगा, ऑयल का लेवल जो है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम, है ना। और अगर ये कूल हुआ, तो कूल होगा तो घटेगा, मतलब लेवल डाउन होगा। तो बच्चों देखिए, जब कूल होता है हमारा, और कूल कब होगा, जो लोड कम हो जाए, लोड कम हो गया तो ये आराम करेगा, है ना। तो लोड कम होगा तो ये कूल हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, और जब ये कूल हुआ तो क्या होगा, ऑयल का लेवल नीचे आएगा। नीचे आने पर क्या होगा, यहाँ पे जगह बच जाएगी, है ना, ऑयल लेवल नीचे आ रहा है, तो क्या करेगा, ये ब्रीदर से सांस ले लेगा, एयर खींच लेगा अंदर, उसी को कहेंगे ब्रीद इन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, लोड ऑन इट्स डिक्रीज, है ना, तो इसका लोड जब कम होगा तब ये सांस लेगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।